लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि IRCTC की वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और 6 से ज़्यादा कैसे टिकट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप IRCTC में कोई भी अब जब टिकट करते हैं तो आपको बैलेंस अपना देना पड़ता है, यानी कि आप टिकट का पैसा चुकाना पड़ता है। सो गाइस, मैं हूं परवेश खान और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि IRCTC के वैलेट में आप पैसा कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमें अपने वैलेट में पैसा डालना है, इसलिए हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र आईडी डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड इंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन कर देंगे। जैसे ही हम साइन इन करेंगे हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे माय अकाउंट में ई वैलेट में जाएंगे। ई वैलेट में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में हम सबसे पहले क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन। जैसे ही हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे नेवर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डिपॉजिट अमाउंट पे हम वैलेट में जितना पैसा हम इंटर करना चाहते हैं यहाँ इंटर करेंगे, उसके बाद डिपॉजिट पे कंफर्म करेंगे। यहाँ से पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेंगे, भीम UPI या नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी UPI ID इंटर करेंगे और पे पे क्लिक करेंगे। तो पे पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा और वहाँ से जब आप अपना फ़ोन पे ओपन करेंगे तो ओपन करते ही वहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और पेमेंट पे कर देंगे। तो आपके वैलेट में यहाँ पे 200 रुपये अमाउंट ईजली जमा हो जाएंगे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं वैलेट अमाउंट कहाँ पर है। फिर से हम इसी पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे, और फिर से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम साइन इन करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम माई अकाउंट में जाएंगे और उसके बाद ई वैलेट का जो ऑप्शन दिया है वहाँ पर जाएंगे। इसके बाद डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, IRCTC ई वैलेट डिपॉजिट। डिपॉजिट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, यानी आपका जो भी बैलेंस आपने इंटर किया है, जो भी आपने इसमें जमा किया है, वो यहाँ पे दिखाएगा क्लोजिंग बैलेंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यही वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।